जम्मू की सबसे बड़ी थोक अनाज मंडी वेयरहाउस नेहरू मार्केट में शुक्रवार को दुकानदारों व कर्मचारियों की वैक्सीनेशन करने के लिए विशेष शिविर का आगाज हुआ। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जम्मू नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोजाना 500 लोगों की वैक्सीनेशन होगी। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट की ओर से अपने कार्यालय को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया था, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इस मंडी के दुकानदारों, कर्मचारियों व मजदूरों का टीकाकरण किया गया। कैंप जो लगाया गया हमारे डीसी महोदय अंशुल गर्ग जी और चंद्र मोहन मेयर जी, उनके द्वारा ये ड्राइव जो है लगाई गई, और मैं धन्यवाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ासकर हमारे डीसी साहब का, अंशुल गर्ग जी का, और जीएमसी मेयर चंद्र मोहन जी का, जिन्होंने मौके के ऊपर आके वैक्सीनेशन कैंप की पूरी जानकारी ली, और साथ में हमारे ऑक्सीजन वार रूम, मेडिसिन वार रूम और राशन वार रूम का जायज़ा लिया, और उन्होंने हमारी तारीफ की, हमारी फेडरेशन की तारीफ की। मैं उनका सह दिल से धन्यवाद देता हूं, और ये वैक्सीनेशन कैंप जो है आगे भी जारी रहेगा जब तक हमारे एम्प्लॉयज़ लेबर के और हमारे जो व्यापारीगण है तब जब तक इनकी ड्राइव पूरी नहीं होती, ये वैक्सीनेशन कैंप जो है जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशु गर्ग व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता भी दोपहर को वेयर हाउस पहुंचे और उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण किया। डीसी अंशु गर्ग ने फेडरेशन की ओर से किए गए प्रबंधों की सराहना करते हुए एसओपी का सख्ती से पालन करवाने की सलाह भी दी। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्पेशल चल रही है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, उनका कोऑपरेशन, उनकी गाइडेंस कॉन्स्टेंटली में मिलती रही है, और पिछले 5 दिनों में जो एक्सेलरेटेड ड्राइव 4 दिनों से चल रही है तो तकरीबन 20,000 लोग वैक्सीनेट हुए हैं इसी तरह की स्पेशल साइट्स में, और हमारा खास फोकस जो है वो हाई रिस्क वल्नरेबल ग्रुप्स पर है, जिसके अंदर हमारे शॉपकीपर, स्ट्रीट वेंडर्स, मार्केट एसोसिएशन, हमारे टूरिस्ट और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, हमारे जर्नलिस्ट और लॉयर्स जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, हमारी स्पेशली एबल्ड विडोज, उन सभी कैटेगरीज़ को खास तरीके से फोकस किया जा रहा है, और हमारी आने वाले दिनों में भी कोशिश रहेगी कि टारगेटेड ड्राइव्स इसी तरीके की लगातार चलती रहें, और जो लोगों की कोऑपरेशन और यहाँ के स्टेक होल्डर्स की कोऑपरेशन हमें मिल रही है वही एक, मैं समझता हूँ, एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न है या क्रिटिकल पॉइंट है जिसकी वजह से एक बेहतरीन तरीके से हमारी ड्राइव। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि वेयरहाउस जम्मू की सबसे बड़ी मंडी है, और चूंकि यहां पर काफी संख्या में मजदूर काम करते हैं और उनकी सुविधा को देखते हुए ही मंडी के भीतर शिविर लगाने का फैसला लिया गया। आने वाले समय में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मंडी, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी में इसी तरह ही लग से कैंप लग जाए, ताकि वो जो हमारे मजदूर भाई हैं वो, उनको कोई असुविधा ना हो, उनको आगे पीछे भागना ना पड़े। बाकी लोग तो, हम लोग तो दुकानदार कहीं जा सकता है, उसके पास स्कूटर बाइक है, लेकिन मजदूर कहाँ जाएगा, तो इसलिए और भी जैसे जैसे सिस्टम होता जाएगा, अलग अलग कैंप हम लगाएंगे। बहुत अच्छा ये 18 से लेकर 44 तक जो वैक्सीनेशन हो रही है, 5, 6, 7 के अंदर है जो शहर के, वो सारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही देख रही है बाकी प्रशासन के सहयोग के साथ। आने वाले समय में और जैसे स्टाफ फ्री होगा हेल्थ का, हम और भी ये सेंटर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को असुविधा ना हो, 18 से 44 तक जो हमारे यंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करके इस महामारी से बचाया जा सके।